अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तज़ियंस किचन। आज मैं आड़ू के बारे में बता रही हूँ आपको बेनिफिट्स इसके। पोटाशियम की बढ़ती हुई मकदार से दिल की सेहत को अच्छा रखता है। विटामिन सी की वजह से जिस्म का ओमियो सिस्टम जो होता है मजबूत बनाता है। विटामिन ए जिल को सेहतमंद और चमकदार बनाता है। फाइबर की मौजूदगी से निज़ाम हाजमा को बहुत बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, बालों को मजबूत बनाता है। पीच में बहुत फाइबर खून की सेहत को मददगार बनाता है। इसके अलावा सेब के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताती चलूँ। सेब बहुत अच्छा है इन विंटर। सेब में भी सेहत बख्श खसूसियात हैं, फाइबर होता है, इसके बाद विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा पट्ठों के सेब खाने से पट्ठों का ख़तरा कम हो जाता है। इसके अलावा खाने से वज़न कम हो जाता है। सेब खाने से दिमाग की कारकर्दगी बहुत अच्छी रहती है। अब थोड़ा अंगूर की तरफ आ जाते हैं। अंगूर यानी ग्रेप्स, अंगूर में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, अंगूर में भी फाइबर होता है। इसके अलावा विटामिन सी विटामिन की मकदार को पूरा करता है। इसके अलावा अंगूर में मौजूद जो है बीमारियों को कम करता है, अंगूर की खसूसियात जो होती हैं। इसके अलावा अंगूर में पोटाशियम और मैग्नीशियम की भरपूर मकदार होती है। इसके अलावा एंटी एजेंट है और अंगूर खाने से कैंसर का ख़तरा बनने से कम खतरा होता है। एक नए बेनिफिट के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।